पहाड़ से लेकर अब ये लोगों की जो उल्टे हाथ पर पहाड़ है, ये सारा जंगे बदर का मैदान ही मैदान था। आज से 10 20 30 40 50 साल 100 साल 500 हजार साल पीछे चले गए, यहाँ कुछ भी नहीं था, जंगे बदर का मैदान ही मैदान था। जैसे जैसे सऊदी गवर्नमेंट आ जाती है अपने लोगों को जगह दे देती है, ऐसे इस मस्जिद का नाम है मस्जिद आरिश, आरिश के मैंने छप्पर एक छत वाली जगह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंग के दरमियान इस जगह पर खाना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर बैठ कर सजदे में जाकर अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो के रो रो के रो रो के मदद की दुआ की। मैदान इधर तो है, मर्द एक साइड में तशरीफ ले, लेडीज एक साइड में तशरीफ ले, हजरत इधर आ जाए, लेडीज मर्द इधर तशरीफ ले, लेडीज इधर आ जाए। आ जाओ जो मर्द इधर आ जाओ, मैं इधर आ जाओ, मैं इधर आ जाओ, लेडीज इधर आ जाए, मर्द इधर आ जाए, तशरीफ ले आ जाए। इस पहाड़ से लेकर अब ये लोगों की जो उल्टे हाथ पर पहाड़ है, ये सारा जंगे बदर का मैदान ही मैदान था। आज से 10 20 30 40 50 साल 100 साल 500 हजार साल पीछे चले गए, यहाँ कुछ भी नहीं था, जंगे बदर का मैदान ही मैदान था। जैसे जैसे सऊदी गवर्नमेंट आ जाती है अपने लोगों को जगह दे देती है, इसे आबाद करो, इसे आबाद करो, इसे आबाद करो, वैसे वैसे ये आबादी बढ़ती गई है। अब ये शहर बदर बन चुका है, मुशरकीन मक्का काफिर मक्का जो कि जंग के दरमियान इस जगह पर पहले आ चुके थे। ये सामने जो खजूरों के बाग नजर आ रहे हैं ना, मुशरकीन मक्का काफिर मक्का ने इन खजूरों के बाग की जगह पर नीचे इस तरह की पक्की जमीन थी, उस पक्की जगह का इंतखाब कर लिया था
पक्की जगह पर अपने खेमे लगा लिए थे। वो सामने पहाड़ी के ऊपर पीने वाला पानी का कुआं था, उस पीने वाले पानी के कुएं पर भी कब्जा कर लिया था, जो कि दो जहां के सरदार आमना के लाल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर बाद में तशरीफ लेकर आए हैं। ये आप लोगों के सीधे हाथ पर मस्जिद नजर आ रही है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद आरिश, आरिश के मनी छप्पर एक छत वाली जगह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंग के दरमियान इस जगह पर खेमा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर बैठ कर सजदे में जाकर अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो के रो रो के रो रो के मदद की दुआ की, या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह ये 313 कलश्कर अगर ये आज खत्म हो गया पूरी दुनिया में क्यामत तक आपका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, या अल्लाह ये मेरा कुल सरमाया कुल सासा मक्का और मदीना की मेहनत अगर ये आज खत्म हो गई तो पूरी दुनिया में क्यामत तक आपका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब तू गम न कर मैं तेरे साथ हूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से अपने साथियों को खजूरों की टहनियाँ खजूरों की छड़ियाँ खजूरों की सोटियाँ दे दी। कहते वो इतना तेज काम करती थी कि तेज तलवार से भी ज़्यादा काम करती थी। और जगह जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदे कर दी थी, फला मुशरक इस जगह पर कतल होगा, फला काफर उस जगह पर कतल होगा, फला काफर उस जगह पर कतल होगा। बाद में मुशरकीन मक्का काफर मक्का उस जगह पर आकर कतल होते गए, ना इधर हुए ना उधर हुए ना आगे हुए ना पीछे हुए, 70 कुफारों को कतल करके जहन्नमवासी किया गया। वो सामने वो सड़क दरमियान में एक छोटी सी पत्थरों की ढेरी नजर आ रही है, इस जगह पर एक कुमत है एक गढ़ है जिस गढ़े में 70 कुफारों को कतल करके जहन्नमवासी किया गया था। अबू जहल को उत्तमा को शेबा को रबिया को बाकी दूसरों को टांगों से पकड़ पकड़ कर घसीट घसीट कर इस गढ़े में डाल दिया गया था। और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से तेज अंधेरी आंधी तूफान और बारिश नजर होगी। जब बारिश नजर हुई जिस जगह पर कच्ची रेत के कच्चे ढेरों के ऊपर मुसलमानों के कैमे थे, अल्लाह ताला के हुक्म से वो जमीन पक्की हो गई, मुसलमानों का जगह पर पहुंच जमने शुरू हो गए। मुसलमानों ने मट्टी को शहरों से इकट्ठा किया, पीने के लिए पानी का बंदोबस्त भी कर लिया। और जिस जगह पर मुशरकीन ने मक्का काफिरों ने मक्का जिन्होंने अच्छी अच्छी जगह का इंतखाब कर लिया था, पक्की पक्की जगह का इंतखाब कर लिया था, अल्लाह ताला के हुक्म से यह जमीन कच्ची हो गई, इस जगह पर गारा बन गया, आपस में टकरा टकरा कर मरना जगना शुरू हो गए। 70 गुफारों को कतल करके जहन्नमवासी किया गया, कुछ बाग दौड़ गए कुछ पकड़े गए, जो पकड़े गए सहाबा ने उनको बंदी बना लिया, उनके हाथ बांध लिए, हाथ बांध कर सहाबा उनको लेकर जाने लगे। जब लेकर जाने लगे तो मुशरक कहने लगे हमें पीने के लिए पानी दो। सहाबा ने कहा मुशरको तुमने तो पीने वाले पानी के कुएं पर भी कब्जा कर लिया था, तुम लोगों ने तो हमें एक बूंद भी नहीं दी थी, हम तुमको पीने के लिए पानी नहीं देंगे। फिर चलते चलते थोड़ा सा और आगे गए, फिर मुशरकों ने पानी मांगा, सहाबा ने फिर मना कर दिया। फिर चलते चलते थोड़ा सा और आगे गए, जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुशरक पीने के लिए पानी मांग रहे हैं, इन लोगों ने तो पीने वाले पानी के कुएं पर भी कब्जा कर लिया था, इन लोगों ने तो हमें एक बूंद भी नहीं दी थी, हम इनको पीने के लिए पानी नहीं देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इनका मिजाज था, ये हमारा मिजाज है इनको पीने के लिए। इस तरह अल्लाह ताला ने हमें ये जंग फता आता। अब आप लोगों ने दूर का नमाज तहियत नमाज अरिश के अदा करने हैं, अगर तो साफ सुथरे गाय मस्जिद